एक छात्रा मेडिकल कॉलेज की एमबीए की गायब हो जाती है, पुलिस में रिपोर्ट, माता पिता दर्ज कराते हैं और ये कहते हैं कि इसके साथ में इस किस्म की आशंका है कि यह हादसा हुआ होगा। मगर इस पूरी कहानी में परत दर परत जैसे जैसे खुलते हुए सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। रिपोर्ट के जरिए समझिए। हंगामा, हल्ला, गुस्सा, तस्वीरें मेरठ के गढ़मुक्तेश्वर की हैं। यहाँ एक छात्रा के परिवार वालों ने पुलिस से शिकायत की कि उनकी बेटी का अपहरण हुआ और छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन पुलिस ने जांच की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देकर आईजी रेंज मेरठ ने बयान दिया कि अपहरण और रेप की कोई घटना नहीं हुई। और उस बयान के बाद छात्रों में गुस्सा है। पहले बयान देख लीजिए क्या कहा था मेरठ रेंज के आईजी ने। हापुड़ का जो ये प्रकरण है इसमें पूरी तरह से तफ्तीश की गई है। ये लड़की जो कि बालिग है अपने पूर्व के सहपाठी और उनके घर में के बगल में रहने वाला एक लड़का जो कि अपनी बुआ के यहाँ रहता था के साथ अपनी इच्छा से गई थी। जो मेडिको लीगल कार्रवाई की गई है उसमें बलात्कार की कोई पुष्टि नहीं हुई है। प्राथमिक तौर पर किसी भी तरह से बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है। तो इसी बयान के बाद छात्रों ने हंगामा किया है। सैकड़ों छात्रों ने आईजी ऑफिस पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया है और आईजी का घेराव करते हुए मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। अभी उनके सबके फोटो सोशल मीडिया पे वायरल करे जाएंगे और उन्हें 24 घंटे में उनकी गिरफ्तारी की मांग जो हमने मांगी थी वो मान ली गई है। 24 घंटे में उनकी गिरफ्तारी होगी, ये हमारी मांग थी। और जो पूरा इलाज का खर्च है वो पुलिस प्रशासन, पूरा इलाज का खर्च पुलिस प्रशासन देगा। वही आपको बता दें इस मामले में अभी भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और छात्रा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जब छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर आईजी मेरठ रेंज के कार्यालय का घेराव किया तो हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने छात्रों की मांगों को मान लिया। पंजीकृत हुआ था उसको लेकर, विश्वविद्यालय के कुछ छात्र हैं, ये बच्चे आए थे और इनकी कुछ मांगे थी कि बच्ची का बेहतर इलाज करा दिया जाए। एक जो लड़की है घायल और प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसके साथ सुरक्षा के लिए पोस्ट लगा दिया जाए, सारी बातें उनकी मान ली गई है। इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपर तरीके से इनको बता दिया है, जो ज्ञापन दिया ज्ञापन ले लिया गया है। आखिरकार छात्रों के गुस्से के आगे पुलिस को झुकना ही पड़ा। पुलिस ने छात्रों की मांगों को मान लिया। रोड पूरा खाली हो चुका है, जो पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद किया गया था वो भी एक तरफ खड़े हो चुके हैं, क्योंकि सुबह से यहाँ बड़ा हंगामा चल रहा था। छात्रों की मांग थी कि इनकी मांगों को माना जाए, इनको आश्वासन दिया जाए। अब आश्वासन मिलने के बाद छात्र अपने घरों को लौट गए हैं। कैमरामैन सलमान के साथ मनोवर चौहान, R9 TV, मेरठ।